हेलो फ्रेंड्स, विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक छोटा सा शॉपिंग हॉल। मैंने अभी रिसेंटली परचेज किए हैं कुछ कुर्ताज, कुछ टॉप्स अपने समर्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मैं वन बाय वन अपना प्रोडक्ट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको भी उनमें से कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट टॉप, जो कि है कुछ इस तरह का। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, व्हाइट एंड ब्लू कलर है, और मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा और समर्स में ये कॉम्बिनेशन बहुत वर्क करता है। उसके अलावा इसमें स्लीव्स में यहाँ पर इस तरह से वर्क दिया हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मैं कोशिश करूँगी कि इनके ट्रायल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। उसके अलावा यहाँ पर स्लीव्स में कुछ इस तरह से है और यहाँ पर डोरी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और इसमें इस तरह से पॉम पॉम्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। एंड वाइट इज़ अ वेरी समरी कलर। सो ये मुझे जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्रायल करके देखा तो मैंने नोटिस किया कि इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही ट्रांजी है। तो इसे तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, लुकिंग में कितना भी अच्छा लगता हो, बट ट्रांसपेरेंट चीज़ें तो हम नहीं पहन सकते हैं। जब आप देख सकते हैं कि इसकी उल्टी साइड में भी दो कपड़े होने के बावजूद भी ब्लू कलर दिख रहा है, तो आपका बॉडी कितना दिखेगा। तो इस वजह से मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ। अदरवाइज अगर ये ट्रांजी नहीं होता तो दिस इज़ द बेस्ट टॉप मेरी पूरी शॉपिंग हॉल का, बट मैं इसे रिटर्न करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजी है। थोड़ा बहुत होता तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था, बट बहुत ज़्यादा ट्रांजी होने की वजह से मैं इसे नहीं रख रही हूँ। सेकंड जो टॉप है मेरा वो है ट्रेडिशनल प्रिंट का, जो कि हमारे राजस्थान में उदयपुर में बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो है इस तरह का। ये एक ऑरेंज कलर का टॉप है जिसपे व्हाइट कलर के थ्रेड की जो लेस लगी हुई है, और ये बहुत भी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आगे इसमें डोरी लगी है, टैसल्स रखे हैं, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसमें यहाँ पर सल वगैरह दिए हुए हैं, तो जो हेल्दी लोग हैं उनका भी अच्छे से ये आ जाएगा। उसके अलावा इसका जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन है। जनरली ये उदयपुर में इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत ही लाइट वेट कॉटन है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं, और मैं ज़्यादातर क्लोथ जो होते हैं वो थर्ड फोर स्लीव्स ही लेती हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि समटाइम्स वहाँ पर एसी चलते हैं तो एकदम से ठंड नहीं लगती, बीमार नहीं होते। और फ्रंट साइड पर ये इसका इस तरह से यहाँ पर लाइनिंग लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके बाद नेक्स्ट कुर्ता मैंने लिया है अपने लिए, थोड़ा सा डार्क कलर का कुर्ता नहीं, हम इसे टॉप बोल सकते हैं। सो दिस इज़ द टॉप। ये एक मरून कलर का टॉप है। इस तरह के कलर्स मैंने कभी भी पहने नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह के प्रिंट और कलर्स इस बार ट्राई किए जाएं। उसके अलावा इसका जो नेक है वो कुछ इस तरह का है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर इस तरह से एक बटन भी दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे लगा सकते हैं। उसका नेक का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है, बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, और बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं लगेगा। समरी क्लोथ है बिल्कुल, आप समर्स में बिल्कुल इसको जा सकते हैं पहन के। और इस तरह से ये इसमें स्लीव है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और एकदम डिफरेंट लुक देगी। ये एग्जैक्ट थर्ड फोर्थ नहीं है, बट हाँ ये उससे थोड़ी सी छोटी स्लीव्स है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला तो गुड टू गो हो जाएगा, लाइट कलर की जीन्स या वाइट जीन्स या फिर लाइट ब्लू जीन्स पर ये काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। सो नेक्स्ट टॉप है मेरा येलो कलर का। तो ऑब्वियसली स्प्रिंग मौसम है तो येलो कलर तो खरीदना बनता ही है, क्योंकि अच्छे खासे फेस्टिवल्स आने वाले हैं अभी, और इसमें येलो है। और इस तरह से यहाँ पर शोल्डर के यहाँ पर डिज़ाइन है, जो कि सीधा आपकी स्लीव्स तक जा रही है। स्लीव्स थोड़ी सी इलास्टिक टाइप्स है, तो मुझे ये काफ़ी पैटर्न ब्यूटीफुल लगा, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक दे रहा है। हालांकि ये कपड़ा मैं ज़्यादातर नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, तो मैं ये पहन के देखूंगी, अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसे रखूंगी। अदरवाइज़ कपड़ा इसका ओके है, कॉटन नहीं है, मिक्स क्लोथ है इसका, जो नायलोन टाइप का और मिक्स होता है उस तरह का क्लोथ है। और ये एक मस्टर्ड येलो ड्रेस है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस तरह से इसका नेक है, उसके अलावा नेक में इस तरह से डोरी दी हुई है जिसपे इस तरह से ब्लू कलर के टैसल्स है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। और यहाँ सेंटर में इस तरह से यहाँ पर नेक लाइन दे रखी है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रही है। तो मैं इसे ट्राई करके ही देखूंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी, आप लोग भी सजेस्ट करना कि मैं इनमें से कौन सा रखूं कौन सा नहीं रखूं। सो मेरी नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है कुछ इस तरह की। ये है ब्लू वाइट कलर का प्रिंट है, पर मोती का काम किया हुआ है गले में हल्का हल्का, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक वी नेक प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और उसके अलावा इसका जो स्लीव्स है वो फुल स्लीव्स है ऑलमोस्ट, और इसका स्लीव्स भी कुछ इस तरह का है। मुझे लगता है कि अभी शायद ट्रेंड में है इस तरह के स्लीव्स, तभी ये सब जगह कुर्तों में मुझे इसी तरह के स्लीव्स मिले हैं टॉप्स में।
उसके अलावा ये एक शर्ट पैटर्न में दिया हुआ है और ब्लू व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। इसे आप ब्लैक जीन्स पे वियर कर सकते हैं, व्हाइट जीन्स पे वियर कर सकते हैं। मुझे तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल लगा, तो इसे आते ही तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसे तो मैं रख ही रही हूँ। ये है मेरा कुर्ता और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसका जो कॉटन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट कॉटन है, स्पेशली जो हम इंडियन समर्स में पहनना प्रेफर करते हैं उस तरह का। और इस तरह के कपड़े की पहले भी मैं बहुत सारे कुर्ते पहन चुकी हूँ, लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किए थे और वो मुझे बहुत लंबे चले थे। उसके बाद नेक्स्ट जो टी शर्ट है मेरा, वो मैंने परचेज़ किया है दिस। इस पे इस तरह की प्रिंट है जो मुझे देखते ही पसंद आ गया था और मैंने इसे परचेज़ कर लिया था, बट ये एल में अवेलेबल नहीं था। मैंने एक्सेल इसका परचेज़ किया था। मैं इसका फैब्रिक वगैरह देखना चाह रही थी कि अगर पसंद आ जाता है और इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो मैं एक्सचेंज करा लूँगी, बट अभी तक ये एक्सचेंज के लिए प्रोडक्ट एल साइज़ का नहीं आया है। बट ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, कि काफ़ी अफोर्डेबल था। यहाँ पर इसकी वाइट लाइंस हैं, काफ़ी लूज़ है तो समर्स में काफ़ी अच्छा चलेगा। और ये थोड़ा सा थिक जो मटेरियल होता है ना वो है, तो इसे विंटर में पहना जा सकता है। अगर आप इनर कुछ अच्छा सा लेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा लूज पैटर्न में आपको टी शर्ट चाहिए, ऊपर से ये पहन लो और अंदर से आप लेयरिंग कर लो, तो उसके लिए भी अच्छा है। और समर्स में तो ये लूज़ लूज़ है ही। ये था मेरा छोटा सा मिनी शॉपिंग हॉल, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह के शॉपिंग हॉल्स देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के शॉपिंग हॉल्स भी लेकर आऊँगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।